तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस्कॉन टेंपल, जो कि आज श्री श्री राधा रानी बिहारी जी का नए मंदिर में आज स्थानांतरण होगा। तो बने रहे दोस्तों ब्लॉग पे और ये देखिए राधा रानी अपने नए नए मंदिर में आ चुकी है। और यह है दोस्तों ओल्ड टेंपल इस्कॉन, जो 2005 में इस मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो चलिए दोस्तों हम आपको नए मंदिर का भ्रमण कराते हैं और जानकारी देते हैं। तो दोस्तों रायपुर में 12 साल में तैयार हुआ है मंदिर। अब तक निर्माण में 51 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रायपुर के टाटीबन स्थित श्री राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। रायपुर में यह मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हुआ। इसमें 13 शिखर बनाए गए हैं और हर शिखर पर सोने से बने कलश रखे गए हैं। 13 सोने के कलश का कुल दोस्तों तो कलश का कुल वजन 1 किलो 250 ग्राम है कलश का वजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विदेश से भी मेहमान पहुँचे। शनिवार को सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के साथ समारोह की शुरुआत हुई। यह समारोह 3 दिन तक चला, जिसमें हवन भजन और कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें 19 अगस्त को सुबह 5 बजे भगवान को विग्रह को नए मंदिर में स्थापित किया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम में 21 हवन कुंड बनाए गए। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष HS सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने बताया कि हवन का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चला। हवन के लिए कुल 21 कुंड बनाए गए। धार्मिक अनुष्ठान के बाद महाराज महाप्रसादी वितरण कराया गया। सुबह से ही हरि नाम का कीर्तन चल रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस आयोजन में जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधि रायपुर पहुँचे। देश के सभी राज्यों से इस्कॉन के अध्यक्ष भी शामिल हुए। अब तक 51 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस मंदिर के निर्माण में। इस श्री राधा राज बिहारी इस्कॉन मंदिर को तैयार होने में 12 साल का समय लग गया दोस्तों। इस्कॉन मंदिर साल 2012 में बनना शुरू हुआ। परिसर के लिए 2001 में 3.25 एकड़ जमीन मिली थी। आज इसका विस्तार 10 एकड़ हो चुका है। मंदिर के निर्माण में अब तक के 51 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। मंदिर परिसर में ही 61 कमरों का सुविधा युक्त गेस्ट हाउस तैयार किया गया है। इस्कॉन मंदिर में 3100 किलो का झूमर लगाया गया है। क्रिस्टल और पीतल से तैयार 17 फीट ऊंचे झूमर की लागत 45 लाख रुपए है दोस्तों। फेस्टिवल के कमेटी के उपाध्यक्ष सुभाष सिंघल ने बताया कि प्रयागराज के शिवराम शुक्ला की टीम ने 3 लाख क्रिस्टल बीट को स्टील के तारों से फिरोकर 25 दिनों में बनाया। मंदिर के फर्श और गुलाबी और सफ़ेद रंग के पत्थर लगे हैं। दीवार और सभी स्तंभ सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। वही गार्डन को तैयार करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक नीचे परिसर में गरुड़ स्तंभ बनाया गया। इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में 38,000 वर्ग फीट का पंडाल बनाया गया। शाम 6:30 बजे से जयपुर के भारतीय कला संस्था की ओर से श्री कृष्ण नृत्योत्सव का मंचन किया गया। वहीं 18 अगस्त को शाम 6:30 बजे मुंबई के लीला द स्पॉन्चुअल रॉक और 19 अगस्त को शाम 6:30 बजे वृंदावन का कार्यक्रम हुआ। तो दोस्तों ये तो था इस मंदिर का जानकारी। सभी सोने कलश लगाया गया है, जिसका 250 ग्राम सोने के कलश निर्माण किए गए। 7 जुलाई को मुख्य शिखर पर स्वर्ण कलश
कपिध्वज और सुदर्शन चक्र का स्थापन किया गया। बाकी 12 से 16 अगस्त को स्थापित किया गया। तो ये तो था दोस्तों नया इस्कॉन टेंपल के बारे में जानकारी, विवरण और यहाँ की सुंदरता। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह इस्कॉन टेंपल आपको अच्छा लगा होगा और एक बार ज़रूर विजिट किए फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में नया है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।